नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पिछले वीडियो को अपलोड किए काफ़ी समय हो चुका और इस सब के लिए मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। फाइनली आफ्टर रिकवरी ऑफ माय एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डेटा आई एम बैक टू अपलोड माय वीडियोस। लीटर में नहीं होगा क्या? कर वो धक्का मार के ले आ रहे हैं कुछ। तो दोस्तों आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं अपने बाइक पे सवार होके अपने एक फ्रेंड की वेडिंग फंक्शन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले लखनऊ से मैं अयोध्या की राइड करने वाला हूँ, जो हमारी राइड ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर की होगी। अयोध्या में मेरा कुछ अर्जेंट काम है और साथ में मैं अपने एक दोस्त को पिक करूँगा जो कि अयोध्या में रहता है, टू कंटिन्यू इन माई जर्नी। लखनऊ से अयोध्या सोलो राइड के बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ अयोध्या से ज्ञानपुर गोपीगंज की राइड, जो कि ऑलमोस्ट 353 किलोमीटर है और ये नियर बाय मिर्जापुर के पड़ता है। क्या बढ़िया था गुरु। तो फाइनली अब हम पार करते हुए सैनिक नगर द्वार, और ये जो सामने रोड है ये रोड अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा चारबाग रेलवे स्टेशन, और राइट मारेंगे तो हम जाएंगे सीधे लखनऊ हाईवे जो कि हमारा प्रयागराज और बाकी जगह से कनेक्टेड है। अगर ये रोड में सीधा जाऊंगा तो ये सीधे रोड प्रयागराज जाएगा, जो लेफ्ट लूंगा तो लेफ्ट ये सीधे निकल जाएगा सुल्तानपुर अयोध्या की तरफ, और राइट मारूंगा तो ये जाएगा सीधे एयरपोर्ट की तरफ जो लखनऊ एयरपोर्ट है। अब हम क्रॉस करते हुए लल्लू इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल है। लग रहा भाई का टायर खराब हो गया, ठीक है। वैसे रोड काफ़ी अच्छा है गाइस, और ऐसा लग रहा है कि मैं एक पार्क में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों साइड इतने झाड़ है ऐसा लग रहा है मैं पार्क में घूम रहा हूँ। कोई ट्रैफिक नहीं है, एकदम रिलैक्सली मैं पहुंच सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है पुलिस हेडक्वार्टर, और सामने देख सकते हैं नंबर 112, थोड़ा और नज़दीक आने पे दिखेगा, ऊपरों में क्या पता दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ अभी दिख रहा होगा। तो ये है 112 एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं इकाना स्टेडियम के पास, मैंने लास्ट मैच यहाँ पर देखा था इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका। लीटर में नहीं होगा क्या? लीटर में हाँ तो लीटर में कर दीजिए, 5 लीटर 5 लीटर हाँ जितना होगा मैं करता हूँ कट, मुझे कर दीजिए। तो आगे लीजिए भाई, अगवा ले लीजिए, अगवा ले लीजिए, थोड़ा जगह दीजिए। आप एक ही तरफ लगाए पड़े कुछ भाई। फाइनली पेट्रोल भर के हो गया, अब हम निकलते हैं यहाँ से लखनऊ के एकदम ये आउटसाइड में हम लोग, इसके आगे सफेदाबाद पड़ेगा, तो ये रास्ता पकड़ेंगे। अभी ये सर्विस रोड से हम लोग को मेन रोड पे आना पड़ेगा। तो ये रोड आप देख सकते हो हर जगह पैचेस भरा हुआ है, इसके लिए जो टायर है वो एक प्रॉपर वे में नहीं, थोड़ा टकमगा रहा है, यहाँ हुआ पूरा टिक टिक डांसिंग कार जैसा होता है वैसे डांसिंग बाइक बन चुका है एकदम से। चलो फाइनली अराउंड 80 किलोमीटर ड्राइव हो चुका है, अभी कुछ नाश्ता कर लेते कहीं ढाबा पे। ये आया नाश्ते में, एक आलू कादा पराठा लिया हूँ, कादा आलू पराठा ही और बस आइटम। भाई वो खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं था, ढाबा बहुत महंगा पड़ गया। दोनों पराठे के लिए उन्होंने लगभग मुझे 250 रुपये चार्ज किया, मतलब एक बॉटल पानी का बॉटल लेके, बट यार बहुत महंगा और क्वालिटी एकदम लो क्लास, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। देखते हैं आगे और क्या। फाइनली मेरा काम हो गया, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट मेरी 3 बैटरी थी GoPro की, 2 खत्म हो गई, अभी एक लास्ट बैटरी मुझे चलाना है, देखते हैं। हेलो, ये सिग्नल के ऊपर सिग्नल है ना, सिग्नल पे आ गया है, सिग्नल। अच्छा तुम दिख गए मेरे को,
तुम दिख गए। आ जा, जब तक कभी चढ़ा लूं। भैया YouTube पे भी तुम चिटिंग करवाओगे? हेलो, भैया तुम इतना लंबा जंप करो, उधर क्रॉस करना ना। रुको अभी, नहीं यहाँ पे कम भीड़ दिख रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अच्छा, ओ भैया चला आगे जल्दी। तो पहले इधर से बाहर निकले। अच्छा कितना बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है? अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया यार। हम सोचे थे आप 3 बजे आ जाओ। उसकी तो बारात भी निकल चुकी होगी फिर। बारात भी निकल गई होगी। हाँ, तो 6-7 किलोमीटर बोल रहा था वो उधर ही। हाँ, रुको कहीं पर। तुम्हें बैग लिया क्या? तुमने बैग लिया क्या? अच्छा एक मिनट को, पहले आगे ले लो इसको। नहीं अभी थोड़ी दूर निकली है, इसके बाद करते हैं। नहीं ये बैग को आगे ले लेता, बहुत ये लग रहा है। भैया हाँ वो वही करो, ये ले लीजिए। आ जाएगा। हाँ नहीं आगे का टेंशन नहीं, आगे बैग रख सकता हूँ। सर एक फायदा हो गया, हेलमेट बहुत वजन लग रहा था ना, तो अब इसके ऊपर रखा है। चलो भाई। भाई यहाँ पे लोग ना कैमरा देख के ना बहुत रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने वो आगे भी देखा, एक बंदा था बोल रहा है, मतलब इशारा कर रहा था, क्या कर रहे हो भाई, क्या है ये? तो क्या बोलूं उसको, मैं बोला निकलो आगे फिर। लेकिन अच्छा मजा आ रहा है कैमरा लगा के घूमने में। भाई ये स्पेशल काइंड ऑफ पैसेंजर है। रोड तो अच्छी है ना? रोड अच्छा है, लेकिन वही अभी ट्रैफिक और ये देख रहा है रोड जरा सा शाम हो गया ना। हाँ 2 बजे के पहले रह रहे तो वही लग रहा है। 100 के ऊपर नहीं जा रहे थे, 100 के ऊपर चलाना नहीं। हाँ 90-70 जैसे इस सब रोडों पे तो हमारे हिसाब से 70 बहुत है। हाँ इन सब रोड वो तो है। सही कि नहीं? हाँ हाँ भाई पहुँच गए उसकी शादी में, बस बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ वो तो है। आज तो अपने गांव साइड में भी लगे ना, सब लोग एकदम गए हुए। मुझे लगता है अपने से पास तो बस पहुँच जाएगा भाई। बस तो यहाँ पे रखा है, MP का है, रानी एक्सप्रेस। मेरी GoPro की बैटरी कब शट डाउन हुई मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं था प्रतापगढ़ में। वहाँ पे इतना ट्रैफिक था कि हम लोग काफ़ी टाइम तक फंसे हुए थे। जब मैं वहाँ पे एक जगह ब्रेक लिया, तब जाके मैंने देखा मेरा GoPro पावर ऑफ हो गया। एक के बाद एक
तो ये आ गया एक और शादी का हॉल। अब हमारा शादी का हॉल आने के लिए बहुत टाइम, अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। ठंडी भी भयंकर हो पड़ती जा रही है और लेट भी होते जा रहा है। गाइस जैसे रात होते जा रही है ठंडी और बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर भी बहुत डाउन है। ऑलमोस्ट 11 बज के जा चुका है और अभी हम लोग को पहुंचना है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। और पीछे मेरा गोप्रो भी डिस्चार्ज हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कब डिस्चार्ज हो गया। मैंने बाय मिस्टेक कोई तो वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके छोड़ दिया था, तो इसके लिए मुझे लगता है बीच में वो बंद हो गया। प्रतापगढ़ में भी मैं बार बार ऑन बटन क्लिक कर रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे लगा हो रहा होगा और बिकॉज ऑफ ट्रैफिक मैं इतना उस पर रिएक्ट नहीं कर पाया। बाद में जब थोड़े देर के बाद जाकर देखा एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, पीछे ही बंद हो गया भाई, हो गया प्रॉब्लम गाड़ी का। तो भाई निकले रास्ते में और गाड़ी हो गया बंद। अब क्या पता कब तक। ऑलमोस्ट हम लोग अभी भी इलाहाबाद से 40 किलोमीटर के ऊपर, 45 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद से और शादी वाले लोकेशन से बहुत दूर है अभी भी। अब गाड़ी कब चालू होगा यार, परेशान तो इसी में ही है। क्या हो भाई, क्या हो, नहीं चालू रहेगा अभी भी? चालू नहीं है, पार्ट खोलने पड़ेंगे, पार्ट खोलने के बाद वो कुछ समझ में आएगा। और कोई ऐसा बात नहीं, और इधर में भी जंगल। अब एक सामने ये घर दिख रहा है, इधर जाके ट्राई करना पड़ेगा कुछ। तो ऐसे पूरे फंसे हम लोग, तो इतने टाइम से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, धक्का मार मार के दोनों का हालत डाउन हो गया। ऐसे ऐसे करके धक्का मारे भाई, धक्का मारे कैसा लगा? अरे बहुत ही मजा आया भाई, एंजॉय पूरा फील एंजॉय हो गया आज टूर का, पूरा मस्ती से एंजॉय हो गया। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता ब्लॉक था, तो हमने वो रास्ता ब्रिज ही टूटा हुआ था तो हमने पता किया, तो पता चला कि दूसरे रास्ते जाओगे आप तो आपको रास्ता फिर वही मिल जाएगा। हमें वो रास्ता मिला और फिर जिन्होंने बताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक भाई ने हम लोग को हेल्प किया, रास्ता तो बता दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ, रास्ते में इतने सारे बारात आ गए, इतनी बारात, पूरा का पूरा रोड जाम। हम लोग 2 घंटा तो सिर्फ रोड जाम में फंसे रहे। और क्या मतलब 10-15 किलोमीटर क्रॉस करने का पूरा रोड जाम। और आज इतना शादी यहाँ पे चल रहा पूरे यूपी में, आज लगन बोलते ना इसको, लगन निकला हुआ है, तो हर जगह पूरा का पूरा रोड जाम बंद। और अभी भी हम लोग सिर्फ रोड में घूम रहे, ना आगे कोई हमारे ना पीछे कोई हमारे, मतलब एकदम बीच रोड में फंसे हुए हम लोग हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है। अभी देखते कहाँ तक और गाड़ी को धक्का मार सकते हैं। अब क्या पता शादी तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, भाई दोनों परेशान हो चुके हैं। अब और दोनों मैकेनिक मिलने के बाद ही क्लियर होगा कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हम दोनों तो गाड़ी रिपेयर करने में एक्सपर्ट नहीं है, जो भी देख सकते देख लिए। अब देखते कहाँ पे आगे कोई, इवन हमने ट्राई किया किसी से हेल्प लेने का, लेकिन अभी इतने अंधेरे सुनसान जगह पे कौन कैसे रुकेगा। राइट, तो आज क्या हम शादी पहुंच पाएंगे कि शादी मिस होगी, क्या पता, देखते लेटली। वो धक्का मार के ले आ रहे हैं, कुछ देर हम धक्का मार के ले आ रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ मैकेनिक मिल जाएगा। जहाँ मैकेनिक मिल जाएगा हम लोग वहाँ पे बाइक को बनवा के इसके बाद अपने ड्राइव करेंगे। हम लोग का हालत डाउन हो चुका है, हम लोग ने काफ़ी दोनों काफ़ी टाइम से धक्का मार रहे हैं गाड़ी को, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के ऊपर हो चुका है। और वीडियो भी हम लोग बहुत आराम से बना रहे हैं कि कोई अगर आजू बाजू में कोई मोबाइल ना छीन ले, बिकॉज पूरा का पूरा सड़क कभी कभार सुनसान है, बहुत लोग बाइक से आ रहे जा रहे तो बहुत डर भी लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग पूरा आजू बाजू फोकस कर रहे हैं, अगर कोई कहीं कुछ है तो हम लोग मोबाइल जेब में रख रहे हैं, बाकी धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेस। देखते हैं अभी कब तक पहुंच पाएंगे भाई, धक्का धक्का मार मार के दोनों का हालत पंचर हो गया है, कभी ये बैठ के मार रहे कभी हम बैठ के मार रहे। एक्चुअली यहाँ पे सिटी में तो आ गए, लेकिन भाई हालत डाउन हो गया, बैटरी पूरा लो है, बैटरी पूरा लो हो चुका है, हालत पंचर हो चुकी है धक्का मार मार के। यार क्या पता अभी क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं, अभी हम लोग ट्राई करेंगे दोनों थोड़ा और डिस्टेंस पे, कोई तो बंदा है, इनका फ्रेंड है कोई, तो वो मिलने वाला है, तो अगर अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं, अब वहीं जाके स्टे करेंगे ज़्यादा अच्छा। फाइनली गाइज हमारी बाइक स्टार्ट हो गई, एक्चुअली 2 बंदे मिल गए थे बाइक पे थे वो लोग,
तो पहले तो हम लोग डर गए कि क्या ये लोग, मतलब कौन है लोग लाइक। तो हमने बताया उनको, तो उनके पास टूल था, उन्होंने देखा तो स्पार्क प्लग का इशू उनको लगा, तो स्पार्क प्लग खोल के उन्होंने उसे थोड़ा सा जमीन पे सड़क पे उन्होंने घसा उसको ऊपर का जो पॉइंट होता है, उसके बाद मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अभी ये टेम्पररी, इसको जाके मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा यार, लेकिन एनिया हो चलो कैसे तो स्टार्ट हो गई बाइक, हम लोग थोड़ा फ्री हो गए अभी, अभी टेंशन है अभी कैसे तो करके इलाहाबाद तक तो पहुँच सकते। फाइनली हम लोग ने एंट्री कर लिया प्रयागराज में और हम अभी हैं फाफा मऊ ब्रिज के ऊपर। इसके अगर आप राइट साइड में देखोगे तो आपको दिखेगी गंगा माँ, और इसके लेफ्ट साइड में है अंग्रेजों के ज़माने का ब्रिज जिसका नाम है करजन ब्रिज। और इस ब्रिज की खासियत है ये 2 किलोमीटर लंबा है, ऊपर से सड़क है और नीचे से ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। इस पे म्यूजियम भी बनने वाला है लेकिन कब बनेगा देखा जाए। हे गाइस, सो फाइनली गुड मॉर्निंग, हम लोग पहुंच गए थे रात को हमारे एक दोस्त के घर में प्रयागराज में, और काफ़ी उल्टा फुल्टा हो गया राइट, मैंने अपने दोस्त की शादी मिस कर दी और काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए हमने यहीं पर रुकने का फैसला किया। उर्फ क्या सफ़र था ना, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कहानी हुई होगी तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें, और याद रखें कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ में, अनटिल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें और एडवेंचरस रहें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू।